बाबर आजम ने पिछले मैच में सेंचुरी जमा करके फाफ डुप्लेसी और विराट कोहली का एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये रिकॉर्ड क्या है? ये है T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा सेंचुरी एज ए कैप्टन जमाने का रिकॉर्ड। बाबर आजम जो पाकिस्तान टीम के कप्तान थे उन्होंने शतक लगाया, साथ ही साथ रोहित शर्मा को पीछे छोड़ा और मुकाबला जीतकर MS धोनी के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। वहीं बात करें अगर बाबर आजम की कीर्तिमान की तो बहुत बड़ा कीर्तिमान दर्ज किया है बाबर आजम ने शतक लगाकर। बाबर आजम T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले कप्तान बन चुके हैं। जी हां, एज अ कैप्टन T20 इंटरनेशनल्स में बाबर आजम ने 3 शतक लगाए हैं। बाबर आजम को कैप्टनसी से हटा दो। बाबर आजम का स्ट्राइक रेट ठीक नहीं, उसे उस पर काम करने की जरूरत है। बाबर आजम को ओपनिंग के बजाय तीसरे चौथे नंबर पर भेजो। ये वो चंद बातें थी जो हर पाकिस्तान के मैच के बाद या किसी बड़ी सीरीज के बाद चंद लोग पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बार बार दोहराते नजर आते थे। बाबर आजम पर तनकीद की जाती थी, लेकिन बाबर आजम एक ऐसा कमाल शख्स है कि उसने कभी भी अपनी जुबान से या अपने किसी फेल से इनकी तनकीद को वापस इनकी तरफ इनकी तनकीद का जवाब नहीं दिया। हालांकि कोई और खिलाड़ी होता या कोई और बड़ा नाम होता तो वो इन लोगों को इनकी औकात फौरन ही दिखा देता, लेकिन बाबर आजम की यही कामनेस तो उनकी पहचान है। मिस्टर काम के नाम से पहचाने जाने वाले बाबर आजम सिर्फ जवाब देते हैं तो अपने बल्ले से, अपनी कैप्टेंसी से या फिर अपनी टीम की ओवरऑल परफॉर्मेंस से। लेकिन गुज़श्ता मैच में जो उन्होंने कारनामा सर अंजाम दिया है, उसने पाकिस्तान या दुनिया भर में बैठे उनके क्रिटिक्स के मुंह तो बंद किए हैं, लेकिन कई मुंह मजीद खुलवा दिए हैं, क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ विराट कोहली और रोहित शर्मा के कई रिकॉर्ड्स पाश-पाश किए हैं, बल्कि उसके साथ साथ उन्होंने अब की बार तो क्रिस गेल, फिंच और भारत के साबिक सुपरस्टार महेंद्र सिंह धोनी के भी रिकॉर्ड को पाश-पाश कर दिया है। बाबर आजम वैसे तो कई रिकॉर्ड्स तोड़ते ही रहते हैं, लेकिन सबसे अहम रिकॉर्ड जिस पे उनके क्रिटिक्स की सबसे ज्यादा बोलती बंद हुई है, उनके मुंह पर तमंचा लगा है, वो ये है कि वो दुनिया क्रिकेट के सबसे कामयाब तरीन कैप्टन T20 फॉर्मेट में बन चुके हैं और इसमें उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड तोड़ा है। महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड क्या था एज अ कैप्टन, किस तरह वो अपनी टीम को आसमान की बुलंदियों पर लेकर गए थे। आज भी भारतीय उन्हें पूछते हैं, लेकिन उसका रिकॉर्ड तोड़ने वाला उस पर किस तरह की तनकीद की जानती है पाकिस्तान में, ये तो आप भी अच्छे तरीके से जानते हैं। और यही वो वजूहत है कि अब भारत का मीडिया चीखता दिखाई दे रहा है कि पहले बात विराट कोहली की और रोहित शर्मा की थी, लेकिन अब ये शख्स हमारे सुपरस्टार्स धोनी और तेंदुलकर के रिकॉर्ड्स के पीछे पड़ चुका है। आइए आपको वीडियो पर लेकर चलते हैं और भारतीयों ही की जुबानी वो सारी कहानी सुनाते हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच में 5 मैच की T20 सीरीज चल रही, जिसका पहला मुकाबला पाकिस्तान ने जीता, जबकि दूसरे मुकाबले में भी कीवी टीम ने पाक टीम के सामने घुटने टेक दिए। बाबर आजम जो पाकिस्तान टीम के कप्तान थे उन्होंने शतक लगाया, साथ ही साथ रोहित शर्मा को पीछे छोड़ा और मुकाबला जीतकर MS धोनी के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। इस जीत के हीरो हैरिस राउत भी रहे, जिन्होंने तूफानी गेंदबाजी एक बार फिर से। तो चलिए, जिस तरीके से बाबर आजम ने बल्लेबाजी की, शतक लगाया, अपनी टीम को जिताया और बाबर आजम के शतक के बदौलत ही टीम ने 192 रन बनाए थे। इसी के साथ बाबर आजम ने अब बतौर कप्तान रोहित शर्मा को भी पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि बाबर आजम T20 में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा सेंचुरी बनाने वाले कप्तान बन चुके हैं। बाबर आजम के नाम अब 3 सेंचुरी हो चुकी है। इससे पहले रोहित शर्मा के नाम 2 सेंचुरी थी, एरन फिंच ऑस्ट्रेलिया के 1 सेंचुरी, शेन वॉटसन के नाम 1 सेंचुरी और फैफ डुप्लेसी के नाम 1 सेंचुरी थी। तो अब रोहित शर्मा का ये रिकॉर्ड जो है वो बाबर आजम तोड़ चुके हैं। इसके अलावा अगर इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर बाबर आजम पहुंच गए हैं। इससे पहले क्रिस गेल ने 22 शतक पूरे T20 में लगाए हैं, यानी कि इसमें फ्रेंचाइजी लीग भी और इंटरनेशनल लीग भी शामिल है। बाबर आजम के नाम अब 9 शतक हो गए हैं, एरन फिंच के नाम 8, माइकल क्लिंगर 8 और डेविड वार्नर के नाम भी 8 शतक है। तो शतकों के मामले में बाबर आजम धीरे 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 आगे बढ़ रहे हैं। अगर कप्तानी की बात की जाए तो पिछले कुछ समय से बाबर आजम की कप्तानी पर कई सारे सवाल उठ रहे थे कि बाबर आजम को कप्तानी छोड़ देनी चाहिए। हाल ही में अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो T20 सीरीज हुई थी उसमें बाबर आजम को आराम दिया गया था, जिसमें पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा था। और अब बतौर कप्तान ये मुकाबला जीत कर बाबर आजम ने MS धोनी का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया, क्योंकि बतौर कप्तान T20 में अब बाबर आजम जो है सबसे ज्यादा जीत के मामले में नंबर 1 कप्तान बन चुके हैं। बाबर आजम ने 68 मैच में 42 मैच जीते हैं। ईएन मॉर्गन ने 72 मुकाबलों में 42 मैच जीते, लेकिन वो रिटायर हो चुके हैं। वहीं अशरफ अफगान जो अफगानिस्तान के पूर्व कप्तान रह चुके हैं, उन्होंने 52 मैच में 42 मैच जीते थे, वो भी अब रिटायर हो चुके हैं। MS धोनी ने 72 मैच में 41 मैच जीते थे और एरन फिंच ने 76 मुकाबलों में 40 मैच जीते थे। कुल मिलाकर इस सारे कप्तान जो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन बाबर आजम अभी भी खेल रहे हैं और एक मैच जीतते ही बाबर आजम सबसे ज्यादा मुकाबले जीतने वाले T20 के बतौर कप्तान सबसे पहले नंबर पर आ जाएंगे। अब देखना होगा कि 5 मैच की T20 सीरीज में पाकिस्तान की टीम बचे हुए 3 मुकाबलों में क्या कमाल करती है, या फिर
कीवी टीम पलटवा दी। दोस्तों बाबर आजम ने पिछले मैच में सेंचुरी जमा करके फाफ डुप्लेसी और विराट कोहली का एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये रिकॉर्ड क्या है? ये है T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा सेंचुरी एज ए कैप्टन जमाने का रिकॉर्ड। मतलब T20 क्रिकेट का मतलब यहाँ क्या है, इसमें T20 इंटरनेशनल भी है, इसमें T20 डोमेस्टिक भी है, और इसमें लीग्स जो होती है, चाहे IPL हो चाहे PSL हो, वो लीग्स भी शामिल है। सबको कंबाइंड करके एज ए कैप्टन सबसे ज्यादा सेंचुरी जमाने के मामले में बाबर आजम अब विराट कोहली फाफ डुप्लेसी से आगे निकल गए और वर्ल्ड में नंबर 2 पे पहुंच गए हैं। नंबर 1 कौन है वो भी मैं आपको दिखला देता हूं। ये देखिए, वो पूरा टेबल देख लीजिए। दोस्तों आप देख सकते हैं फाफ डुप्लेसी और विराट कोहली ने एज ए कैप्टन इन T20 क्रिकेट 5-5 सेंचुरी जमा रखी है। बाबर आजम ने कल जो सेंचुरी जमाई उनकी जो है ये सेंचुरी एज ए कैप्टन 6th सेंचुरी थी। अब वो नंबर 2 पे पहुंच गए। नंबर 1 पे कौन है, देखिए नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, माइकल क्लिंगर। ये ऑस्ट्रेलिया के हैं और इन्होंने डोमेस्टिक T20 में जो है एज ए कैप्टन 7 सेंचुरी जमा रखी है। अब बाबर अब एक सेंचुरी और जमाएंगे और इस रिकॉर्ड की भी बराबरी हो जाएगी, और 2 सेंचुरी जैसे ही और जमाएंगे ये रिकॉर्ड भी, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी टूट जाएगा। आपको क्या लगता है ये रिकॉर्ड बाबर कब तक बनाएंगे? दोस्तों ये रिकॉर्ड तो मैंने आपको बहुत पहले से बता रखा है कि बाबर आजम जो है 2 मैच सीरीज के जीतते ही सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले कैप्टन के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। उन्होंने असगर अफगान की और ओन मॉर्गन की बराबरी कर ली है। बाबर आजम के नाम अब 42 जीत हो चुके हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ये रिकॉर्ड मैं देख रहा था कि आज सोशल मीडिया और मीडिया में आज बहुत तेजी से चल रहा है कि बाबर आजम ने ये कप्तानी वाला ये रिकॉर्ड बना दिया है। अब मैं आपको एक ऐसा रिकॉर्ड दिखाने वाला हूं जिसको बाबर आजम नेक्स्ट मैच में ही तोड़ सकते हैं। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है, ये है T20 क्रिकेट में, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एज ए कैप्टन सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड। इसके लिए मैं आपको T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एज ए बैटर टॉप 5 बैटर्स की लिस्ट दिखलाऊंगा और उसमें आपको बताऊंगा कि बाबर आजम कितने पीछे हैं सबसे ज्यादा रन बनाने से, और ये भी बताऊंगा कि एज ए कैप्टन कौन कौन से रिकॉर्ड वो ऑलरेडी तोड़ चुके हैं। दोस्तों ये लिस्ट आपके सामने आ गई है, ये उन बल्लेबाजों की लिस्ट है जिन्होंने एज ए कैप्टन T20 इंटरनेशनल में बहुत ज्यादा रन बनाए हैं। आप देख सकते हैं एरन फिंच जो है नंबर 1 पे है, इनके नाम 2236 रन है और बाबर के नाम 2175 रन है। कितने रन की जरूरत है, 25 इधर और 36 उधर। केवल 61 रन पीछे हैं बाबर आजम एरन फिंच से, और अगले ही मैच है मुझे लगता है कि 62 प्लस की पारी तो वो खेलेंगे ही, और इसके साथ ही वो एरन फिंच का रिकॉर्ड तोड़ देंगे और वर्ल्ड क्रिकेट में T20 इंटरनेशनल में एज ए कैप्टन सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे। है कि नहीं, ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड। और आप ऑलरेडी देख लीजिए कि बाबर आजम ने सबसे ज्यादा सेंचुरी एज ए कैप्टन बनाने का रिकॉर्ड जो है T20 इंटरनेशनल में पहले ही रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया है। बाबर के नाम अब 3 सेंचुरीज हो गई है, रोहित के नाम 2 ही सेंचुरीज है। एज ए कैप्टन सबसे ज्यादा हाफ सेंचुरी जमाने के मामले में बाबर पहले से ही दुनिया में सबसे आगे, इनके नाम 20 हाफ सेंचुरीज है, और चौके जमाने के मामले में भी एज ए कैप्टन ये वर्ल्ड नंबर 1 है, इनके नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ये 241 चौके जमा चुके हैं। कोई और कैप्टन एज ए बैटर इनके आसपास भी इस मामले में नहीं है। कल बाबर आजम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ शतक लगाकर एक बड़ा कीर्तिमान अपने नाम किया है। जी हाँ, कल बाबर आजम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे T20 इंटरनेशनल में 101 रनों की नाबाद पारी खेली। 58 गेंद में 101 रन बनाए, 11 चौके और 3 छक्कों की मदद से बहुत ही कमाल की पारी खेली। उस पारी के बदौलत पाकिस्तान ने 20 ओवर में 192 रन बनाए 4 विकेट खोकर, जिसके जवाब में न्यूजीलैंड 20 ओवर में सिर्फ 154 रन बना पाई 7 विकेट खोकर, और 38 रनों से यह मुकाबला पाकिस्तान के नाम रहा। वहीं बात करें अगर बाबर आजम की कीर्तिमान की, तो बहुत बड़ा कीर्तिमान दर्ज किया है बाबर आजम ने शतक लगाकर। बाबर आजम T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले कप्तान बन चुके हैं। जी हाँ, एज अ कैप्टन T20 इंटरनेशनल्स में बाबर आजम ने 3 शतक लगाए हैं। दूसरे नंबर पर रोहित शर्मा है जिन्होंने 2 शतक लगाए हैं बतौर कप्तान T20 इंटरनेशनल में। वहीं अगर बात करें एक और कीर्तिमान की, तो अब बाबर आजम T20 क्रिकेट में दूसरे नंबर पर आते हैं सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों में। जी हाँ, बाबर आजम ने कल अपना 9वां शतक लगाया है T20 क्रिकेट में, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है।